इसलिए कि यहाँ तो हर कोई आता है ना, तो वो अपने पेट भरने में चला जाता है। तो अब इसका इलाज यही है कि इसको या तो फेडरली कंट्रोल्ड सिटी होनी चाहिए, या कोई, या कोई कहते ना कोई फौज या किसी ऐसे इदारे को कम से कम 5 साल के लिए सौंप दे ताकि वो ठीक करे इसको। लेकिन यहाँ पे इतने माफिया है पानी का, हालांकि मैं कहता हूँ पानी की शॉर्टेज नहीं है, पानी सारा मौजूद है, एक आदमी प्यासा नहीं मरता, मगर पानी डल में नहीं आता, पानी टैंकर में आता, पानी बिक रहा है। बिलावल हाउस के अंदर पानी वाटर बोट का नहीं आता, वहां पे टैंकर से पानी आता है। गवर्नेंस का, मैनेजमेंट का ही हाल है। आपने तजवीज अच्छी दी है कि फेडरल टेरिटरी बना के वफाक इसको संभाल ले, या 5 साल के लिए फौज संभाल ले, या सूबा, सूबे वाले मामले के ऊपर तो बड़ा जज्बाती मामला आ जाता है, बहुत सारे लोगों को खुशगवार नहीं गुजरता। लेकिन असल में खुशगवार वाला मामला दूर हो गया, अब मामला यह है कि मैनेजमेंट इसकी बहुत खराब हो गई है। बजट के अंदर सूरत हाल को देखें, ताजरों के साथ बैठने को तैयार नहीं, आम शहरियों को सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन मामला फिर वही है कि हम इमरान खान को जो इतना सारा कराची के लोगों ने मैंडेट दिया, उस मैंडेट से 2.5 साल तकरीबन हो गए, ना पानी मिला, ना रोजगार, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई चीज नहीं मिली। तेली साहब, जब इतनी तकलीफ के बाद, लॉकडाउन वगैरह की तकलीफों के बाद इमरान खान 5 महीने बाद कराची आया है और उसने ताजिरों से मुलाकात नहीं की, वो अपनी सियासत करके 24 घंटे 48 घंटे में चला गया। देखे ना, हालांकि उसको 14 सीटें मिली हुई है जी। और हालांकि उसका फर्ज है कि कराची को टाइम दे, कराची की वो 14 सीटें इम्पोर्टेंट होती है, मगर वो नहीं करते। ये मसला यही है कि अब कैसे होगा। मैं समझता हूँ ये बड़ा जरूरी है कि आपको इसके लिए परमानेंट फैसला किया जाए, इसलिए ये सियासतदान हमें आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं आई जिसने ईमानदारी से कराची वालों का साथ दिया हो, चाहे फेडरल हो चाहे प्रोविंशियल हो। और मैं ये कहता रहता हूँ, लोग मेरे से नाराज होते हैं और सियासतदान समझते हैं कि मैं ऐसी ऐसी बातें करता हूँ, मगर ग्राउंड रियलिटी तो देखे ना, जितना टैक्स हम देते हैं वो टैक्स के बाद मुल्क चलता है पूरा, और हमसे ही वाला सलूक होता है। फेडरल हुकूमत भी कुछ ऐसा ही करती है, प्रोविंशियल हुकूमत भी ऐसा ही करती है, तो कैसे चलेगी गाड़ी।